नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। ये वक्त है खबर में दम है का। आज हम आपको बताएंगे कि गोगामेड़ी हत्याकांड में वो कौन सी लेडी डॉन है जिसका हत्याकांड में हाथ है। वहीं ये भी बताएंगे कि संसद कांड के राजस्थान कनेक्शन का क्या मामला है। तो बात राजनीति के मैदान की भी होगी, जिसमें आपको राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की आगे की भूमिका, आगे की रणनीति क्या हो सकती है, ये बताएंगे। साथ साथ नए सीएम के सख्त संदेश को भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, खबर में दम है। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड में पुलिस ने लेडी डॉन पूजा सैनी को गिरफ्तार किया, जिसने शूटर्स को हथियार उपलब्ध कराए थे। पूजा सैनी के बारे में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। क्या कुछ कहानी है इस पूजा सैनी की, क्या कुछ रोल किरदार इसका सामने आ रहा है, इस रिपोर्ट में देखते हैं। हत्या के लिए पूजा ने दिए थे हथियार। एयर हॉस्टेस बनने घर से निकली थी पूजा। पूजा सैनी कैसे बनी लेडी डॉन? सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड की जांच में नए नए खुलासे हो रहे हैं। हत्याकांड को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किए गए हथियारों को लेकर भी पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने मामले में एक लेडी डॉन पूजा सैनी को भी गिरफ्तार किया है, जिसके बाद चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पांच दिसंबर को जयपुर में दिन दहाड़े हुई सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के मामले में पुलिस ने हत्यारे शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद पुलिस ने मामले में और पड़ताल की तो सामने आया कि लेडी डॉन पूजा सैनी ने एक सप्ताह तक शूटर नितिन सैनी को अपने फ्लैट पर रखा था। पूजा जगतपुरा में इनकम टैक्स कॉलोनी में किराए के फ्लैट में रहती थी। पूजा सैनी किराए के फ्लैट में पूजा बत्रा के नाम से रह रही थी। पूजा का पति महेंद्र उर्फ समीर कोटा का हिस्ट्री शीटर है। प्रताप नगर में चौपाटी से महेंद्र और पूजा नितिन फौजी को अपने साथ लेकर फ्लैट पर गए। समीर के खिलाफ गंभीर आपराधिक प्रवृत्ति के 24 मुकदमे दर्ज हैं। अब आपको बताते हैं पूजा सैनी और उसके पति महेंद्र से जुड़ी कुछ अहम जानकारियाँ। पूजा सैनी और उसके पति महेंद्र का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पुलिस का दावा है कि दोनों पति पत्नी लंबे वक्त से हथियार सप्लाई कर रहे थे। महेंद्र लॉरेंस विश्नोई और रोहित गोदारा के लिए हथियार सप्लाई करता था। महेंद्र और पूजा के फ्लैट पर AK-47 भी रखे होने की फोटो सामने आई। आरोपियों ने जगतपुरा में ही अपने फ्लैट पर AK-47 की फोटो खींची थी। 5 दिसंबर को हत्या के लिए दोनों ने नितिन रोहित को हथियार दिखाए थे। इन्हीं में से रोहित नितिन ने जिगाना मेड पिस्टल और कारतूस दिए थे। लेडी डॉन पूजा सैनी टोंग जिले के अलीगढ़ की रहने वाली है। 5 साल पहले एयर होस्टेस बनने जयपुर गई पूजा की शादी और गोगामेड़ी हत्याकांड में शामिल होने से माता पिता अनजान है। मीडिया से जानकारी मिलने के बाद पिता ने सरकार से सख्त सजा देने की मांग की। पूजा 5 भाई बहनों में सबसे छोटी है। पढ़ने में होशियार होने के कारण जयपुर भेजा। बीमार पिता चाय की थड़ी चलाकर परिवार पालते हैं। पूजा एयर होस्टेस बनने के लिए कोटा गई थी, बताया जा रहा है, जहां उसकी मुलाकात महेंद्र से हुई। इसके बाद दोनों साथ मिलकर काम करने लगे। पूजा की मां भूली देवी को जब से इसकी जानकारी लगी तब से वो डरी हुई हैं। रोते हुए कहा कि पूजा ने परिवार का नाम कलंकित किया। बीमार पिता शंकर लाल ने बिस्तर पर रोते हुए कहा कि पूजा हमारे लिए मर चुकी है, उसका घर आना जाना नहीं है। कोटा एयर होस्टेस की तैयारी के लिए भेजा था, वो कैसे हिस्ट्री शीटर के संपर्क में आई इसकी जानकारी नहीं है। हम कुछ नहीं जानते और हमको मालूम भी नहीं है वो कब लड़के के पास रहती थी, कब नहीं रहती थी, हमको कुछ नहीं मालूम। यही बात, शादी उसने शादी करी इस मामले को लेकर आपको उसकी मालूम नहीं है।
जयपुर में कितने समय से रह रही है और क्या कर रही है? वो खेती थी भाई मेरे को तो उसको 6-7 साल करीब हो गए जो खेती थी कि मम्मी मैं जॉब करती हूँ जो पहली दो पाए उस पर लगी थी वो क्या बोलते हैं उसको हवाई जहाज का अड्डा उस पर लगी थी पहले तो वहाँ पे कर रही थी फिर कोई जॉब भी नहीं करी थी उसने फिर उसके बाद में पूछती थी भाई बेटा तू क्या करती कब मम्मी मैं जॉब करती हूँ पर जॉब कंपनी का नाम नहीं बताती कोई औलाद को न मारी तो पैदा हुई थी तो मारी औलाद से और बाल मारी खाई औलाद को मारे सु गुडारा मसू शिफ्ट लगाए छू ने मारी ले तो वो मर जाओ तो बढ़िया था सदाओ की यही से कानून न जतरी सदा हो न जतरी कम सु कम उसको भी तेज दिया न सजा अब भगवान का देखो मर्डर ही कर दिया को। परिजनों ने पूजा के बारे में और जानकारी देने से इनकार कर दिया लेकिन आसपास के रहने वाले लोगों ने बताया कि बड़ा बनने की हसरत में पूजा एयरहोस्टेस बनने के लिए कोटा गई थी लेकिन अपराध के इस दलदल में फंस जाएगी इसका किसी को नहीं पता था। पूजा के माता पिता उसके लेडी डॉन बनने से अनजान थे उन्हें इस बात की भनक तक नहीं लगी कि उनकी बेटी कब जुर्म की दुनिया में शामिल हो गई। बहरहाल लेडी डॉन पूजा सैनी पुलिस की गिरफ्त में है जिससे पूछताछ में और भी कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। कैमरामैन अविनाश के साथ हितेंद्र शर्मा न्यूज 18 राजस्थान। संसद कांड में राजस्थान कनेक्शन सामने आया है। पुलिस ने मामले में नागौर के महेश कुमावत को गिरफ्तार किया है। महेश को लेकर पुलिस ने कई बड़े खुलासे भी किए हैं। इस रिपोर्ट में देखिएगा। संसद कांड का राजस्थान कनेक्शन। 7 दिन की रिमांड पर नागौर का महेश। हर मीटिंग में मौजूद रहता था महेश। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने के मामले में 6 आरोपी महेश कुमावत को दिल्ली पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों ने बताया कि वो भी पूरी साजिश का हिस्सा था। घंटों चली पूछताछ के बाद महेश की गिरफ्तारी की गई। आरोपी राजस्थान के नागौर जिले का रहने वाला है और वो भी 13 दिसंबर को घटना वाले दिन दिल्ली आया था। साल 2001 में संसद पर आतंकवादी हमले की बरसी पर बुधवार को एक बड़ी सुरक्षा चूक का मामला सामने आया था जब 2 व्यक्ति शून्यकाल के दौरान दर्शक दीर्घा से लोकसभा के अंदर कूद गए और केन से पीले रंग का धुआं छोड़ा। घटना के तत्काल बाद दोनों को पकड़ लिया गया था। लगभग उसी समय संसद भवन के बाहर अमोल शिंदे और नीलम देवी ने केन से लाल और पीले रंग का धुआं फैलाते हुए तानाशाही नहीं चलेगी जैसे नारे लगाए। पुलिस ने चारों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। राजस्थान में महेश के ठिकाने पर ही मुख्य साजिशकर्ता ललित झा घटना के बाद दिल्ली से भाग गया था। महेश और ललित पर सभी मोबाइल नष्ट करने का आरोप है। पुलिस ने आरोपी महेश को कोर्ट में पेश किया जहां से उसे 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने कहा कि 2 साल से इस पूरे मामले में साजिश चल रही थी और जितनी भी मीटिंग इस मामले को लेकर हुई उन मामलों में आरोपी महेश शामिल रहता था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपी महेश सभी आरोपियों से 2 साल से जुड़ा हुआ था। पुलिस ने कहा कि आरोपी महेश ने ललित के साथ मिलकर मोबाइल नष्ट किए। उन तमाम जगहों पर इनको लेकर जाना है और इस पूरी साजिश का पता लगाना है। फिलहाल संसद सुरक्षा चूक केस में एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही हैं। अब देखना होगा कि पूछताछ में आरोपियों से और क्या खुलासे होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 राजस्थान। राजस्थान में नए युग की शुरुआत होने के बाद अब बड़ा सवाल यह है कि अब तक अपनी राजनीति से राजस्थान की धुरी बने हुए पुराने खांटी नेताओं का क्या होगा। और इसमें सबसे बड़ा नाम वसुंधरा राजे का आता है। पीढ़ी परिवर्तन के दौर से गुजर रही बीजेपी में वसुंधरा राजे को केंद्रीय राजनीति में लाया जाएगा या फिर वसुंधरा राजे की भी आखिरी मंजिल क्या मार्गदर्शक मंडल ही होगी। रिपोर्ट देखिए। मैं भजन लाल शर्मा नए को कमान पुराने का क्या
केंद्रीय राजनीति में सक्रिय होंगी राजे? क्या होगी वसुंधरा राजे की भूमिका? राजस्थान में 25 साल बाद भजन लाल युग की शुरुआत हुई। मैं भजन लाल शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूँ। बीजेपी ने काफी सोच विचार कर पीढ़ी परिवर्तन करते हुए पहली बार के विधायक भजन लाल शर्मा को प्रदेश की कमान सौंपी। अब ऐसे में दो बार राजस्थान की बागडोर संभाल चुकी वसुंधरा राजे के भविष्य को लेकर चर्चाएं गरम है। वसुंधरा राजे की आगे की भूमिका आखिर क्या होगी? वसुंधरा राजे की आगे की भूमिका पर चर्चा करने से पहले जानते हैं वसुंधरा राजे के सियासी सफर को। 1984 में युवा मोर्चा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। 1985 में पहली बार धौलपुर से विधायक निर्वाचित हुए। 1989 में पहली बार लोकसभा चुनाव जीती। इसके बाद 1991 से 2003 तक लगातार सांसद रही। 2003 से अब तक लगातार झालरा पाटन से विधायक है। 2003 और 2013 में राजस्थान की मुख्यमंत्री बनी। वसुंधरा राजे के नेतृत्व में 2003 में बीजेपी 120 सीटें लाने में कामयाब रही तो 2013 में 165 सीटें लाकर चमत्कार कर दिया। हालांकि इस चमत्कार के पीछे पीएम मोदी की लोकप्रियता का बड़ा योगदान माना गया। अटल आडवाणी के युग तक वसुंधरा राजे का सियासी सफर आगे ही बढ़ता रहा, लेकिन 2014 से मोदी युग के आने के बाद धीरे धीरे स्थितियां पेचीदा होती गई। अब बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व काफी मजबूत है और यही कारण है कि वसुंधरा राजे की मौजूदगी के बाद भी इस चुनाव में बीजेपी सामूहिक नेतृत्व में चुनावी मैदान में उतरी और 115 सीटें लाकर स्पष्ट बहुमत पा लिया। इसी के साथ ही तय हो गया कि राजस्थान में वही होगा जो केंद्रीय नेतृत्व चाहेगा। और हुआ भी कुछ ऐसा। केंद्रीय नेतृत्व में संगठन का कामकाज संभालने वाले पहली बार के विधायक भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व काफी समय से पीढ़ी परिवर्तन करते हुए सभी राज्यों में नए चेहरों को आगे ला रहा है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि अब वसुंधरा राजे की आगे की भूमिका क्या होगी। वसुंधरा राजे फिलहाल बीजेपी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर है। राजस्थान में फिलहाल ऐसा कोई पद नजर नहीं आ रहा जिसमें उन्हें एडजस्ट किया जा सके। सोशल इंजीनियरिंग के तहत सीएम पद पर ब्राह्मण की ताजपोशी के बाद अब प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी किसी और को सौंपी जा सकती है, लेकिन वसुंधरा राजे अब प्रदेश अध्यक्ष के पद के लिए भी फिट नहीं बैठती, क्योंकि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व नए चेहरों को मौका देने में यकीन करता है। ऐसे में क्या वसुंधरा राजे को केंद्रीय राजनीति में सक्रिय किया जा सकता है? अगले साल लोकसभा चुनाव है। वसुंधरा राजे के पुत्र दुष्यंत सिंह बारा झालावाड़ से सांसद हैं। क्या वसुंधरा राजे को केंद्र की राजनीति में लाने के लिए लोकसभा का चुनाव लड़ाया जा सकता है? ये सब तब संभव है जब वसुंधरा राजे खुद केंद्रीय राजनीति में जाना चाहे। राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष रावत का कहना है कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व वसुंधरा राजे की राजनीतिक विदाई सम्मानजनक तरीके से करे, ऐसी संभावना। सिंधिया ने लगभग 30-40 वर्ष तक सक्रिय राजनीति में रह करके भारतीय जनता पार्टी की सेवा की है, भारतीय जनता पार्टी को उस मुकाम तक पहुंचाया है कि पार्टी बहुत मजबूती के साथ राजस्थान में खड़ी हुई नजर आई। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अब उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाने के साथ में उनके राजनीतिक कैरियर का अंत एक ऐसे मोड़ पर लाकर खत्म करेगा जहां उनको भी अनिश्चितताएं नजर आ रही हों।
इसके अलावा वसुंधरा राजे के पास मार्गदर्शक मंडल में जाने के सिवाय अभी और कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। इसके पीछे कारण भी कई हैं। कई ऐसे नेता हैं जो आज निपथम में पहुंच चुके हैं। उमा भारती, भगत सिंह कोश्यारी, भुवन चंद्र खंडूरी समेत बीजेपी की कई ऐसे नेता हैं जिन्हें समय समय पर पार्टी ने मौका दिया, लेकिन अब हाशिए पर है। राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष रावत का कहना है, राजे आने वाले दिनों में राजस्थान की राजनीति में सक्रिय भूमिका दिखा सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में किसी राज्य का राज्यपाल उन्हें बनाया जा सकता है। राजे अब आपको सक्रिय भूमिका निभाती हुई नजर नहीं आए, लेकिन पार्टी मुझे लगता है कि उनके योगदान को शायद इग्नोर नहीं करेगी और उसी योगदान के चलते शायद एक सम्मानजनक तरीके से उनकी पारी की समाप्ति करेगी। मुझे लगता है कि उनको किसी राज्य का गवर्नर बना करके शायद उनकी जो सेवाएं उन्होंने पार्टी को लंबे समय तक दी हैं, पार्टी के लिए जो काम लंबे समय तक किया है और साथ में उन्होंने जो अपने राजनीतिक जीवन का जो अध्याय, एक स्वर्णिम अध्याय राजस्थान की राजनीति के लिए लिखा है, मुझे लगता है कि पार्टी उसका अंत भी एक अच्छे नोट पर करना चाहेगी। वसुंधरा राजे को करीब से जानने वाले मानते हैं कि वे हार मानने वाले नेताओं में से नहीं। बेशक बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने नई पीढ़ी को आगे कर दिया, लेकिन वसुंधरा राजे आज भी लोगों में चर्चित है। हालांकि अब उनके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है। वैसे में वसुंधरा राजे की आगे की भूमिका क्या होगी, ये भी वो खुद ही तय करेंगे। जयपुर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा शपथ लेते ही एक्शन में नजर आ रहे हैं। अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम ने साफ कर दिया कि अपराधियों को बख्शा बिल्कुल भी नहीं जाएगा। और क्या संदेश दिया उन्होंने, इस रिपोर्ट में देखते हैं। मैं भजनलाल शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं। कमान संभालते ही एक्शन में भजनलाल। अपराधियों को सीएम का कड़ा संदेश। सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी अत्याचार। पहली बार विधायक और विधायक से सीधे मुख्यमंत्री बने भजनलाल शर्मा ने शपथ ग्रहण करते ही कई कड़े फैसले लिए। उन्होंने अपराधियों को लेकर के बड़ा फैसला लिया और एक टास्क फोर्स बनाने का गठन किया। इसके साथ साथ ही पेपर लीक के मामलों को लेकर के एसआईटी गठन करने को लेकर के भी बड़ा अहम फैसला कैबिनेट की ओर से लिया गया। साथ ही साथ में कई बड़े फैसलों के अंदर ये भी ध्यान रखा गया कि राजस्थान के अंदर होने वाले अपराध को लेकर के जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम होगा। कुल मिलाकर के सरकार बदलने के बाद में भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को लेकर के मैदान में गई थी, ठीक उसी अंदाज में सीएम का पद संभाल ही भजनलाल शर्मा एक्शन में नजर आ रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शपथ लेने के बाद एक्शन में नजर आए। शुक्रवार को शपथ लेने के बाद भजनलाल ने सचिवालय पहुंचकर पदभार ग्रहण किया और रात करीब 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की प्राथमिकताएं भी तय की। उन्होंने राजस्थान के लाखों युवाओं से जुड़े पेपर लीक मामले की जाँच के लिए बड़ी घोषणा कर दी। भजनलाल शर्मा ने कहा, भ्रष्टाचार की जवाबदेही तय होगी, पेपर लीक की जांच के लिए एसआईटी का गठन होगा। प्रदेश के युवाओं का मनोबल टूटा है, पेपर लीक के गुनहगारों को छोड़ा नहीं जाएगा। पेपर लीक मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जाएगा। बृहद स्तर पर पेपर लीक की घटना सामने आई है, इसमें प्रदेश के युवाओं को मनोबल टूटा है। आज ही हमने एसआईटी का गठन की प्रक्रिया प्रारंभ की और आज मैं कहना चाहता हूं कि एसआईटी का गठन होगा। पेपर लीक के मामले में के लिए जांच एसआईटी गठन करने का निर्णय लिया है। प्रदेश के युवाओं की शक्ति के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करने वाले अपराधियों को सख्त सजा मिलेगी, क्योंकि उन युवाओं का भविष्य
अंधकार में जिन्होंने डालने का काम किया है, ये सरकार किसी कीमत पर उनको बख्शने वाली नहीं है। भविष्य में कोई पेपर लीक की घटना ना हो, ये सुनिश्चित किया जाएगा। जिन्होंने किया है उनको छोड़ा नहीं। सीएम ने कहा कि हमने राजस्थान में महिला और बाल पर अत्याचार देखा है, हमारी सरकार किसी भी कीमत पर महिला और बाल पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेगी, कानून व्यवस्था हमारा प्रमुख विषय रहेगा। मैं आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि महिलाओं के लिए हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह का काम किया है पूरे देश के अंदर, हमने राजस्थान में महिला और बाल का अत्याचार देखा है। हमारी ये सरकार किसी भी कीमत पर महिला और बाल का अत्याचार सहन नहीं करेगी। महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार हमारी प्रमुख रूप से प्राथमिकताएं रहेंगे। कानून व्यवस्था हमारा प्रमुख विषय रहेगा। महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार उन्मूलन हमारी सरकार की मुख्य प्राथमिकताएं होंगी। अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की डबल इंजन की सरकार युवा, किसान, मजदूर सबके लिए काम करेगी। असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई होगी। संगठित अपराध पर नकेल कसने के लिए राजस्थान में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री का पद संभालते ही जैसे ही भजनलाल शर्मा ने अपना कामकाज संभाला, वो एक्शन में नजर आए। भजनलाल शर्मा ने उन्हीं मुद्दों को लेकर के घोषणाएं और ऐलान किए जिन मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की पूर्व की गहलोत सरकार को घेरती नजर आई थी। कुल मिलाकर के भजनलाल शर्मा के सामने बहुत बड़ी चुनौतियों से भरा राजस्थान है और राजस्थान की फाइनेंशियल स्थितियों को मजबूत करने से लेकर के कानून व्यवस्था से जुड़े कई मसले और कई चैलेंजेस भजनलाल शर्मा के सामने हैं। अब देखना यह होगा कि भजनलाल शर्मा किस प्रकार से प्रदेश के नए मुखिया के तौर पर इन चैलेंजेस का सामना कर पाते हैं और राजस्थान में सुशासन स्थापित कर पाते हैं। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ लवली वधवा, न्यूज 18 जयपुर। और इसी के साथ